एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके डेवलपमेंट में, इसकी रिकमेंडेशन में, इसके अप्रूवल में सारे जो नियम कानून है सबको नजरअंदाज किया गया है, दे आर नॉट बीइंग फॉलो। सबसे पहले तो यह है कि जो कोई भी घुलनशील पदार्थ होता है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, वो जब पानी जब वो घुल जाता है तो वो अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो जाता है, और मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। तो उसके बाद उसको फर्दर डिवाइडेड नहीं किया जा सकता, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्योंकि यूरिया एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, जब ये पौधे इसको सॉल्यूशन फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं जब ये घुल जाएगा, तो इसका मतलब ये जब मॉलिक्यूल इसके में बन जाएगा तो रूट के थ्रू या लीव के थ्रू वो ये एब्जॉर्ब होगा इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके बाद इसका डिवीजन नहीं है पॉसिबल। जब इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो नैनो टेक्नोलॉजी इज यूजलेस इन इट, क्योंकि नैनो का मतलब है 10^-9 मीटर क्यूबिक मीटर एरिया। अब जो मॉलिक्यूल साइज है वो इससे बहुत कम है नैनो का। जो मेरा जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उसमें मैंने इसका साइज कैलकुलेट किया है, एवोगाड्रो हाइपर्स है, तो वो बहुत ही स्मॉल है। तो पहली बात तो ये हुई कि जो सॉल्युबल कंपाउंड्स है उनके लिए नैनो टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी यूज्ड, इट इज वर्थ वेस्टिंग ऑफ द रिसोर्सेस। नंबर दो बात यह है कि इसमें जो नैनो जो वर्ड है, जो ये नॉमन क्लेचर है, इसका ये टोटली मिसलीडिंग है। ये एक मिक्सचर है, ये मिक्सचर है 4% यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड और क्विन हाइड्रोन। कैल्शियम साइनामाइड क्विन हाइड्रोन ये यूरिया का हाइड्रोलिसिस और डीनाइट्रिफिकेशन को रोकते हैं, ये वेल स्टेबल। लेकिन इसमें जो कंसंट्रेशन है, जो आधा जो इसमें 9.2 ग्राम नाइट्रोजन है एक बोतल के अंदर, 4% सॉल्यूशन यूरिया का मतलब 9.2 ग्राम नाइट्रोजन इन हाफ लीटर बोतल। और जब इसको एक एक करके खेत में छिड़केंगे तो उसमें 150 लीटर पानी लगता है, तो इसकी कंसंट्रेशन 0.013% आती है, जो 150 टाइम कम है एज कंपेयर टू 2% सॉल्यूशन ऑफ द यूरिया विच इज बीइंग स्प्रेड ऑन द क्रॉप सिंस मोर देन 60-70 इयर्स। इन 1965 माई सेल्फ डॉक्टर जी देव एंड डॉक्टर एन एस रंधावा हु वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर लेटर ऑन ही वाज एट दैट टाइम आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट वी पब्लिश 2 पेपर, वन ऑन मेज एंड वन ऑन व्हीट। तो जब हमारे पास ऑलरेडी इतना सस्ता वो है, उपलब्ध है, तो नैनो टेक्नोलॉजी को, नैनो यूरिया को फ्यूलर एप्लीकेशन के लिए यूज करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, कि टोटली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। चाहूंगा कि थोड़ा सा हम इसको ले मैन, यानी कि हमारे किसान को भी समझाने की कोशिश करें। मैं अगर कोई किसान मौजूदा वक्त जो नैनो यूरिया का दावा किया जा रहा है इसका प्रयोग अगर करेंगे तो क्या उनको क्या परिणाम निकल कर सामने आ सकते हैं, कि अगर लगातार 2 या 3 साल तक नैनो यूरिया का प्रयोग खेतों में किया जाए तो क्या रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे, अगर थोड़ा सा इस बारे में बताएं क्या हाइपोथेटिकल आप सोचते हैं। जैसा बताया कि 9.2 ग्राम नाइट्रोजन है हाफ लीटर बोतल में, इसको क्लेम करती है कि ये 45 किलो यूरिया के एक बैग से ज्यादा इफेक्टिव है। अगर 9.2 ग्राम नाइट्रोजन जो नैनो यूरिया की बोतल में है, अगर ये सारी की सारी यानी 100% प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर ले, यूटिलाइज कर ले, प्रोटीन के अंदर चेंज कर ले, 300 ग्राम हीट ग्रेन मैक्सिमम 368 ग्राम, जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें एक टेबल है, आप देख लेना। तो 368 ग्राम प्रोड्यूस करेगी व्हीट ग्रेन, जबकि ये 100% एफिशिएंसी पर, अगर ये 100% एफिशिएंसी होगी तो ये यूज होगा, 368 ग्राम करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। 100% एफिशिएंसी किसी की भी नहीं होती, लेकिन हमने प्रिज्यूम कर लिया।
कि इससे ज्यादा किसी हालत में ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड वन बैग ऑफ 45 केजी यूरिया कन्वेंशनल यूरिया प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 5 क्विंटल व्हीट ग्रेन, 5 क्विंटल इन वन हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर क्विंटल, हाँ जी, एक हेक्टेयर में 5 क्विंटल उत्पादन की आप बात कर रहे हैं? हाँ, 5 क्विंटल कन्वेंशनल यूरिया जी। ओके, वो 5 तो ये बताइए जो ये गैप है 368 ग्राम और 5 क्विंटल में, तो ये जब ये कहां से आएगी नाइट्रोजन, जो ये बैलेंस है दोनों का, जो ये नाइट्रोजन का बैलेंस है ये बताइए ये कहां से आएगा? आप दे रहे हैं तो 9.2 ग्राम, पौधे के अंदर जा रही है 20.7 ग्राम, तो ये बताइए जो बैलेंस नाइट्रोजन है इसका सोर्स क्या है? देखिए, एक केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है, जो आप लोगों ने इंटर मैजारी में भी पढ़ा होगा कि हम केमिकल बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करते हैं, उसका मतलब ये है द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट इज चेंज फ्रॉम प्रोडक्ट टू, फ्रॉम रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। तो जितना हम दे रहे हैं रिएक्टेंट माने 9.2 ग्राम नाइट्रोजन, आप क्लेम कर रहे हैं ये 20.7 ग्राम नाइट्रोजन के बराबर होगी, तो ये बताइए जो बैलेंस की नाइट्रोजन है उसका सोर्स बताइए। व्हीट ना तो लेग्यूमिनस क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि लेग्यूम्स करते हैं, मटर करती है, चना करता है, मसूर करता है, ढेचा करता है, लोबिया करता है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लेकिन व्हीट में ये क्षमता नहीं है क्योंकि ये नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो ये व्हीट हवा से भी नाइट्रोजन नहीं ले रहा। फिर हमारी जो सॉइल्स हैं उनकी नाइट्रोजन सप्लाइंग इंटेंसिटी एंड कैपेसिटी आर वेरी लो, क्योंकि इसका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट हमारा 0.2-0.3 के करीब है, और मोस्ट ऑफ द इंडियन सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन में बहुत ही लो है, जो इसीलिए जो कंट्रोल ट्रीटमेंट है एक्सपेरिमेंट में उनकी यील्ड बहुत कम होती है, क्योंकि वो सॉइल से नाइट्रोजन, सॉइल में नाइट्रोजन बहुत कम होती है। तो मेरे तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन आ रही ना ये सॉइल से आ रही, तो ये बताइए ये कहाँ से आ रही है जो 9.2 ग्राम नाइट्रोजन और 20.7 ग्राम सॉरी किलोग्राम नाइट्रोजन का जो बैलेंस है ये बताइए, इसका सोर्स बताइए। They are not able to answer this question. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।